तो 500 रुपये अरे रखो पहना मेरी 500। रखो पहना मेरी रक्षा तेरी करूं जान पर ही खेल कर आज आने न दूंगा और मैं पिता पर तेरे फर्ज अपना निभाऊं। बाबा जी ये बताइए पूर्णिमा की विदाई कब है? बेटा पूर्णिमा की विदाई कल है। बाबा जी हाँ आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूर्णिमा की विदाई में जो खर्चे लगेंगे वो मैं वहन करूंगा, ठीक है बेटा। मैं पूर्णिमा की विदाई से 2 घंटे पहले आ जाऊंगा, ठीक है। अच्छा बाबा जी हम चलते हैं क्योंकि मेरी ड्यूटी का टाइम है। नमस्ते नमस्ते। पिताजी संजीव भैया कितने अच्छे आदमी हैं। अरे बेटी संजय तो बहुत अच्छा है। चलो आओ बेटी अंदर। मेरे ही खून ने मेरे दिमाग को चंदरा बना डाला। लगता है बाप और बेटे में अब दुश्मनी होगी, लेकिन दुश्मनी होने से पहले दुश्मन का फल कुचल दिया जाता है। अरे संजय मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, नहीं तू मेरा बेटा मजा इसका चखा दूंगा। अभी मैं दोस्त से मिलने चंबल घाटी जाऊंगा और पूर्णिमा की डोरी रास्ते में लाऊंगा। उस दिन मुझे पूर्णिमा नाम की लड़की मिली थी, मैं उससे पकड़ लिया घने जंगल में लेकर पहुंचा, लेकिन हराम जादा वो करतार नाम का लड़का पहुंच गया। घबराओ नहीं करतार सिंह, किसी ना किसी दिल तो हमारे निगाह के अंदर जरूर आओगे बेटा। अगर मेरे निगाह के अंदर आ गए तो हम तुम्हें दौड़ा कर गोली मारूंगा। आज 3 दिन हुआ मुझे अपने दोस्त ठाकुर बहादुर सिंह की बहुत याद आ रही। तो कैसे ना हो गया और ठाकुर मेरे पास मतलब क्या है पड़ गए और बात बताओ। दुश्मन मेरा सुदांशी सुनिए मेरी बात और मारो उसको जान से कर दो। कहां पर वो मिला दुश्मन नाम उसका बता दीजिए, मिटा डालो इस दुनिया से जगह सच सच सुना दे। विदाई विदाई करने को कल गांव मेरे आएगा अपने छोटे भाई की बहू को लेकर जाएगा। लेकिन वो किस रास्ते से जाएगा? बियाबान जंगल में एक खंडहर है, वहां पर एक हवेली है, उसी हवेली के रास्ते से अपनी बहू का डोला लेकर वो गुजरेगा। आप जा सकते हैं। ठीक है दोस्त मैं चला। जमींदार सुजान सिंह अपनी बहू का टोला लेकर उस पुरानी हवेली के पास से गुजरेंगे। वो पुरानी हवेली है, गिरकर खड़हर हो गई है। घबराओ नहीं जमींदार सुजान सिंह, हम उस पुरानी हवेली के पास पहुंच रहा हूं। बेटी पूर्णिमा। हाँ पिताजी। विदाई का समय हो गया है, मुझे लगता है बेटा संजय नहीं आएगा। भैया आते होंगे। अरे आ रहा है। बाबा जी क्या बातें हो रही है बहन? आप ही के बारे में बातें हो रही थी। टाइम हो गया है बेटा संजय नहीं आया। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं था। अरे बेटा यकीन था। वो देखो अंदर जाओ पूर्णिमा, चलो आने दो, ठाकुर साहब आ रहे हैं।
साहब आइए मेरे साथ चाय नाश्ता भोजन कीजिए, उसके बाद हम आपकी विदाई का प्रबंध करवाते हैं। ये सामने पुरानी हवेली दिखाई दे रही है, घबराओ नहीं ठाकुर सुजात सिंह, हम तेरे मौत का पैगाम लेकर पहुंच रहा हूं। पिताजी का ख्याल रखना भैया। बहन मैं तुझे वचन देता हूँ, मेरे रहते हुए बाबा जी का बाल नहीं बाका हो सकता है। हाँ बहन माला पूर्णिमा को डोली के अंदर बिठाओ। चलो रे डोली उठावो कहाँ रे पिया, मिलनी की ऋतु आई। ले जाओ कहाँ पिया, मिलन की ऋतु आई। हो हो जिन नैनों की तू है ज्योति, नैनों से परी से मोती, आवा नहीं है कोई दुल्हनिया के हाथी वाथी आए जान पर था माँ पोत नहर उखर जाए। ऐसा कहा हैं? नहीं अब माँ तो ठांसी हो जाए ठांसी। हे भैया जागन में तेरे 10 रुपया देहिन। अच्छा कहा था है? हे भैया कहार कुछ सुंघाए दे हो। सुंघाए न दे सुनाए दे। हे भैया हाँ लम्बरदार चलो हम आई था है। मैं तुझे विशेष सूचना बताना चाहता हूँ, ये जंगल का रास्ता बहुत खतरनाक है और डोली को बहुत तेजी से लेकर चलो।